स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ हिंदी का पार्ट 6। पार्ट का नाम है बातचीत का ढंग। तो बच्चों, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमें शिष्टाचार का पालन करना चाहिए और कैसे हमें अपने से बड़ों से या किसी से बातचीत करनी चाहिए, किन किन कौन कौन से गुण होने चाहिए आपके अंदर किसी से बातचीत करने के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पुरानी कहावत आप सबने सुनी होगी ना, बातन हाथी पाए बातन हाथी पाँव। ठीक है, इसका सरल अर्थ क्या है? इसका सरल अर्थ है कि अगर किसी के साथ ढंग से बातचीत की जाए तो सुनने वाला खुश होकर आपको इनाम भी दे सकता है, जबकि उसी से अगर आप खराब ढंग से बात करेंगे तो वह आपसे नाराज हो सकता है और आपको नुकसान भी कर सकता है, आपके लिए जो नुकसानदेह भी होगा। ठीक है, तो यह बात आप अपने घर में भी देख सकते हैं। आपके घर में आपके बड़े आपकी हर प्रकार से देखभाल करते हैं और वे इस बात का प्रयत्न करते हैं कि आप अच्छे बने रहें, अपने पैरों पर खड़े हों तथा समाज में परिवार का आप नाम रोशन करें। ठीक है, जब वे आपके लिए इतना कुछ करते हैं तब आपका भी यह कर्तव्य बन जाता है ना कि आप उनके साथ नम्रता और शिष्टता से बातचीत करें, उनसे अच्छे से बात करें, वो जो भी बातें बताएं, जो भी इंस्ट्रक्शंस दी उसको आप फॉलो करें। ठीक है, यदि वे आपके व्यवहार से प्रसन्न होते हैं तो उनके मन में आपके लिए और अधिक स्नेह उत्पन्न हो जाता है। अब एक बात पर विचार कीजिए कि कल जब आप भी बड़े हो जाएंगे तब क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके छोटे आपसे अशिष्टता से बात करें? नहीं ना, नहीं अच्छा लगेगा। संसार में जितनी भी महान शक्तियाँ हैं वे सुनीतियों के आधार पर ही ऐसा रूप ले पाई हैं, उनके व्यवहार और आचरण के कारण ही लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, उनका व्यवहार और उनका लोगों से बात करने का जो ढंग होता है वो बहुत अच्छा होता है, इसी कारण लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या आप चाहेंगे कि लोग आपके व्यवहार और आचरण के कारण आपको नापसंद करें? मतलब अगर आप कहीं जाते हैं और कहीं इस तरह से बात करते हैं तो लोग क्या कहेंगे कि वो उस लड़के को तो बात करने का तरीका ही नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसा आप चाहते हैं? नहीं ना। प्रत्येक समाज में बातचीत का अलग ढंग होता है, किंतु सभी चाहते हैं कि बड़ों का आदर और सम्मान किया जाए। बातचीत करने की शैली ऐसी हो कि सुनने वाले को ना तो चोट पहुंचे और ना किसी प्रकार का दुख हो। आप इस तरह से बात करिए कि आपकी बात सुन के किसी को बुरा भी ना लगे और कोई दुखी भी ना हो। बातचीत के अच्छे तरीकों में सबसे महत्वपूर्ण है विनम्रता। ठीक है, मान लीजिए किसी बड़े व्यक्ति ने आपको बुलाया, अब आप यदि बातचीत का तरीका जानते हैं तो कहेंगे जी अभी आता हूँ, लेकिन यदि आपको बातचीत का तरीका ही नहीं पता है तो क्या कहेंगे आप? अभी आता हूँ, रुकिए अभी आता हूँ। तो पहले जवाब से जो आपने पहले जवाब दिया था कि जी अभी आता हूँ, उससे तो बड़े खुश होंगे, लेकिन जो आपने दूसरा जवाब दिया था वो भले ही ठीक है, बड़े अच्छे हैं, नाराज नहीं होंगे, लेकिन उनको खुशी भी तो नहीं मिलेगी ना आपकी बातों से। इसीलिए बातचीत में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। ठीक है, बातचीत करते समय हमें केवल अपनी बात ही नहीं बतानी चाहिए बल्कि सामने वाला बोल रहा है उसकी भी बात सुननी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा दिमाग हमारे पास ही है, जो दूसरा बोल रहा है उसकी भी बात सुननी चाहिए कि एग्जैक्ट वो कहना क्या चाह रहा है। बातचीत करते समय ऐसा भी हो सकता है कि आपके बड़े कोई ऐसी बात कह दे जो आपको ठीक ना लगे, मतलब अच्छी ना लगे, अर्थात आप उससे सहमत ना हो। ऐसी स्थिति में पहले आप अपनी उनकी पूरी बात सुनिए और फिर आपको मौका दिया जाएगा बात। और अगर आपके बड़े आपको कुछ समझा रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बीच बीच में उनको टोकते रहें कि मेरी बात ये अच्छा नहीं है। अगर टोकना ज़रूरी हो तो कहना चाहिए बीच में क्या, माफ़ कीजिए मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ, आपकी बात से या फिर आपकी बातें मुझे अस्पष्ट नहीं हो रही हैं या समझ में नहीं आ रही, ऐसे। ठीक है, कभी कभी जब कई लोग किसी एक विषय पर वाद विवाद कर रहे होते हैं तब कुछ लोग ऐसा उठकर प्रश्न करने लगते हैं, इसका नतीजा क्या होता है कि किसी की भी बात पूरी तरह नहीं हो पाती और कोई समझ भी नहीं पाता और बेकार का शोर मच जाता है।
ऐसा आपने ज़्यादातर समाचार चैनलों में देखा होगा, रोजाना देख सकते हैं या देखे होंगे। अगर आपके सामने कभी ऐसा कोई मौका आए तो आप अपनी बारी की प्रतीक्षा करें, मतलब अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो आप वेट करें कि कब आपकी बारी आएगी और तब आप बोलिए, बीच में मत बोला करिए। और होगा कि अपने से और अपने से बड़ों से अगर कोई वस्तु आपको मांगनी होगी, मांगनी होती है तो कैसे मांगते हैं? कृपया कर, कृपा कर या कृपया आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जबकि कोई गलती होने पर माफ़ कीजिए या क्षमा कीजिए कहना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि पास पास बैठकर जो लोग बातचीत करते समय कुछ लोग बहुत ज़ोर से बोलते हैं। कभी कभी कोई जब कोई प्रश्न धीरे आराम से पूछता है तो दूसरा इतने ज़ोर से जवाब देता है, मालूम होता है बगल वाला जो है वो बहरा है। लेकिन ऐसा अच्छा नहीं है, ठीक है। ज़ोर ज़ोर से बोलने पर सामने वाले को भी परेशानी हो सकती है। आवाज़ उतनी ही होनी चाहिए आपकी जितने की आप जिसको समझाना चाह रहे हैं आपके सामने वाला समझ पाए, ठीक है। अच्छी बातचीत के लिए आपकी भाषा भी अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी भाषा के लिए आवश्यक है कि आप अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें। जब अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे तो उसमें जो भी आदर्श वाक्य होंगे, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी वो आप पढ़ेंगे, और वो चीज़ें सब आपके माइंड में रहेंगी, फिर आप उसको बोलने में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। आपसे बातचीत करते समय यदि कोई अच्छी भाषा बोले तो आप उसे ध्यान से सुनिए, और उन शब्दों का प्रयोग जब आप किसी से बात करते हैं तो उन शब्दों का प्रयोग अपनी बातों में करिए। इससे जो सामने वाला जो दूसरा व्यक्ति होगा वो आपकी बातों से सहमत भी होगा और आकर्षित भी होगा, और ये भी बोलेगा कि इसको बात करने का कितना अच्छा ढंग है। बातचीत के दौरान जो गुण सबसे ज़रूरी हैं वह यह है कि आपकी बात बहुत सहज और स्वाभाविक लगनी चाहिए। इसलिए यह जरूरी है कि विनम्रता और शिष्टाचार दोनों ही आपके जीवन के हिस्से बन जाएं, ठीक है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी बातचीत में किसी प्रकार का दिखावा या बनावटीपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा पाठ, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि हमें दूसरों से किस तरह बातें करनी चाहिए, कैसे विनम्रता से बातें करनी चाहिए, कैसे मधुर वाणी का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो आशा करती हूँ आज के बाद आप लोग अपने बातचीत करने के तरीके को बदलेंगे, ठीक है, और अपने बड़ों को कभी निराश नहीं करेंगे, ठीक है। तो बाय स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे।